मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब हाँ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी एस एस सी सी टी सी एच एस एल दो हज़ार बाईस का जो एग्जामिनेशन हो रहा है आज नौ मार्च शिफ्ट था ठीक है इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे ना तो मुझे जितना भी क्वेश्चन याद है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बेसिकली आज मेरा एग्ज़ाम था तो चलिए मैं आप लोगों को याद कर करके बताती हूँ ठीक है अभी मैं इस वीडियो में मैं जी का जो भी क्वेश्चन याद है वो बताऊँगी और मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी तो अगर आप लोग चैनल पर होने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा ठीक है चलिए सबसे मतलब कि क्वेश्चन नंबर वाइज तो नहीं याद है लेकिन हाँ कहीं कहीं से याद है तो एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या लिंग लिंग राज मंदिर कहाँ है ठीक है एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक 2020 जो ओलंपिक हुआ था ना उसमें भारत कितना स्वर्ण पदक जीता था फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है ठीक है चार ऑप्शन दिया हुआ था एक हेपेटाइटिस था एक मलेरिया था और इसी तरीके से करके ऑप्शन था पूछा कौन सा बीमारी नहीं होता है फिर क्वेश्चन था एक भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया देखिए आप लोग आंसर खुद से फाइंड कीजिएगा फिर एक क्वेश्चन था अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला एक क्वेश्चन था वनडे विश्व कप 2023 हज़ार आयोजित किया जाएगा एक क्वेश्चन था कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी ठीक है और फिर एक क्वेश्चन था भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है एक क्वेश्चन था आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था और एक क्वेश्चन था फाइल को सेव करने का शॉर्टकट कर क्या है और क्वेश्चन था महानदी किस राज्य से होकर बहती है और क्वेश्चन था हड़प्पा नीति किसने अपनाई थी ठीक है अभी फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है ठीक है इसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आ रहा है तो पच्चीस क्वेश्चन टोटल था जिसमें से बारह क्वेश्चन मुझे याद है और और आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन याद है कोई भी स्टेंट एग्जामिनेशन दिया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन था ठीक है चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और मैथ्स का कुछ बता दूंगी और इंग्लिश रीजनिंग का ठीक है चलिए थैंक यू बाय